नमस्कार सा राम कुमार जी आप बताओ कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है चाहे अपना प्रोग्राम शुरू करा और आप शेयर भी करो कुछ ताकि कि पंद्रह बीस साथी सुनने वाला जुड़ जावे डॉक्टर घनश्याम कच्छावा जी आप कमेंट लिख कर बताओ कि हमारी आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज़ ठीक आवेको नहीं आवे बताओ अच्छा शुरू करा अच्छा राम कुमार जी लिख रहे हैं कि आवाज़ और फोटो सही है तो अभी पांच सुननिया गुणनियाँ लोग हमारे साथ हाजिर है और मैं सोचूं कि दस पंद्रह जना जी का है बात सुनने वाला अगर आ जाए तो आप बात शुरू करा आ, कमल जी आया है कमल नयन तोशनीवाल स्वागत है सा राम कुमार जी भांबू पधारिया है थोड़ा शेयर करो आप कार्यक्रम ने शेयर कर सो तो कुछ लोग जुड़ सी आवाज़ सही है कमल नयन जी कह रहे हैं धन्यवाद आपने और हरलाल जी आचार्य जी पधारिया है आचार्य साहब आप थोड़ा शेयर करो नहीं आप मायड बासारी बात और सेठ बात दूर तक जावे घना से घना लोग जी का है वह सुन पावे तो ज़्यादा बेहतर रेसी सी आप बात शुरू करा अगर छः लोग अभी सुनने वाला हो जाए दस लोग जब सुन आ जावे तो आप शुरू करा फोटो भी शानदार बता रहा है धन्यवाद <laughs> फ़ोटो शायद हमारे पीछे लगी है वह शानदार दिख रही है आपने <laughs> खैर थोड़ा शेयर करो ना आप थोड़ा शेयर करो बात शुरू करा मजो आशी अगर दस एक लोग अगर सुनने वाला हो जावे तो बेहतर रह सी सात जना हो और देखा चलो सात तो भलाई होया करे आप शुरू करा मरुदेश संस्थान रे पेज माथे आप सगड़ा रो गणे मान आदर सत्कार करूं मनवार करूँ खातिरदारी करू आप रो गुण मानू के आप हाजिर हो सह पहली खमा, खमा गणी राजस्थानी रो बहुत जोरदार अभिवादन है खमा घनी खमा मतलब क्षमा माफी बोलन शू पहली माफी मांग की परंपरा आपने राजस्थानी भाषा में है बधु आचार्य आशावादी जी साहित्य अकादमी रा करता धरता कह का राजस्थानी रा, और अबार तो एक बहुत बड़ो स्थान जिकवे आपने साहित्य अकादमी में मिले हुए आप स्वागत है आप हाजिर हो तो माने बात केवण में आनंद आसी तो बात कर रहा क्षमा गणी रही कि आपनी राजस्थानी भाषा इतनी मीठी है इतनी विनम्रता है अपनी भाषा में कि आप बोलने शुरू पहला ही माफी मांग लेवा मारे सुर की ऊक चूक बात निकल गई हुए कि मैं गड़बड़ बोल गया हुआ तो मारे माफी बख्श जो सा तो आपनी भाषारी बात है आ, भाषारी अगर बात करा तो करीब पांच सात साल पहले एक में चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी पर एक कार्यक्रम करो गांव में सिरसा हमारे बहुत नज़दीक में है और सिरसा और परलेकारी भाषा एक जैसी है तो सिरसा में पूरन मुदगल जी बड़ा साहित्यकार होया करता है मैं मान फ़ोन लगे कि मुदगल साहब आपको आना है हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं चंद्र सिंह जी बिरकाली पर उनकी रचनाओं को लेकर हम उनकी एक दो पुस्तकें आप तक पहुँचाएंगे उससे पहले आप अपनी बात यहाँ आके रखें तो वह बोलिया कि यार मैं आ, मेरे आने से क्या हो जाएगा मैं कहो जी आप पधारोला तो आप पधारेंगे तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाएंगे तो बोला अच्छा आप अपनी राजस्थानी में इस बात को कैसे कहेंगे चार चांद तो ये हिंदी का मुँह हो रहा है मैं कहो जी आप पधारोला तुम्हारे तो सोला सूरज उगेला तो बहुत खुश होया कि यार बहुत प्यारी भाषा है आप रही कटे चार चांद और कटे सोलह सूरज कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थानी भाषा में ऐसी शानदार रचना कर सोलह सूरज उगाया है आप इन कार्यक्रम में हाजिर हो तो मैं सोचूं के सोलह सूरज उगया है इन कार्यक्रम में बात खमा गणेशों चालती सोलह सूरज तक पूगी चंदन की चिमटी भली गाडो भलो न काठ चातर तो एक ही भलो और मूर्ख भला न साठ आप अगर सुनिया गुणनिया अगर चौदह पंद्रह लोग अवारे सामने हो और मधु आचार्य आशावादी जी सामने बिराजिया हमारी बात सुन रिया है तो हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है तो चातर तो एक ही भलो है विद्या तो बापरती भली और भर तो भलो निवाण विद्या तो बापरती भली भरतो भलो निवाण पंडित तो कथ तो भलो श्रोता भला सुजान तो आप सब सुजान श्रोताओं रे बीच आप शुरू करा सेठिया जी री पर एक हथाई एक बंतल और सेठिया जी आपरी कविताओं बारे में कहे हुए कि आपरी कविता ने कविता रे बारे में कविता रो जी को स्वभाव हुए कविता रो जी को मिजाज हुए बी वास्ते को गुड़ है गूंगे रो उठा पटक रो को नहीं कविता अब कविता गूंगे रो गुड़ है कविता सुण्या आनंद आवे लेकिन गूंगो जिया गुड़ रो सवाद नहीं बता सके कविता रो स्वाद बतावण जी को वो बड़ो अब खो काम है बड़ो ओखो काम है फिर भी मैं की कोशिश कर सू सेठिया जी पर बात शुरू करा डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी मरुदेश संस्थान रे पेज पर माने हाजरी हाजिरी लगा बात कही कि आप सेठिया जी की कविताओं पर बात कर सो सेठिया जी की रचनाओं आप बात सुना चो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात और बहुत हरखरी बात थी असल में सेठिया जी आधुनिक राजस्थानी रा बहुत लूठा बहुत बड़ा रचनाकार असल में अगर आप बात करा राजस्थानी री बात राजस्थानी कविता री बात सेठिया जी री बिना अधूरी है सेठिया जी राजस्थानी कविता ने जितो बड़ो मान दियो बितो बड़ो मान शायद ही कोई दे सके जिको इंसान आधुनिक राजस्थानी में निराला नागार्जुन केदार और त्रिलोचन रो है वही राजस्थानी कविता में कन्यालाल जी सेठिया रो है जिन भात हिंदी बड़ा कविया भारतीय काव्य परंपरा रे दायरे माय रे ने आपकी कविता ने शिखर तक पुगाई ठीक बियाई सेठिया जी राजस्थानी कविता ने आपकी माटी सू जोड़िया राखी बारो काव्य फलक बहुत व्यापक है बहुत विस्तृत है। हमारी रचनावा पर आप बात कर स पहली एक कविता पढ़ना आप बारो पहलो जी को कविता संग्रह हो वो हो रमणीयरा सोरठा रमणीय रा सोरठा असल में आ, चुन्नीलाल जी प्रजापत्र पोता हमारा मुनीम हाँ लिखियो है सेठिया लिखियो है कि सोरठा में शू गणकरा मारे सर्गवासी मुनीम श्री चुन्नीलाल जी प्रजापत्र पोते श्री राम नारायण प्रजापत ने जैसे बाढ़पणे में रमणियों कहता हाँ रमणियों खिलियों रमतियों भी ने संबोधित कर है आ राजस्थानी भाषा में लिखोड़ी हमारी <coughs> पहली पोथी है इन सारू इन पोथी री मारे सिर्जन री लड़ी में एक ठाई ठोड़ है और आ पोथी विक्रमी सम्मत 2048 यानी 1940 ईस्वी में छपियोडी है और जिकी टाइम आ पोथी छपी वही टाइम उपनाम निर्मल ना उपनाम शो लिखा करता सेठिया जी आ बात भी में लिखी है दो एक दुआ इमे दुआ है सोरठा है सोरठा छंद तो दो एक सौरठा जी कहे मैं आपने सुनाऊं सेठिया जी रहा कि नहीं मंदिर में वास नहीं मस्जिद में बसू नहीं मंदिर में वास नहीं मस्जिद में बसू मैं भगतारो दास रम तो जोगी रमणिया मैं भगतारो दास रम तो जोगी रमणिया और साधु धारियों नाम पण है बे बाधु असल साधु धार्यों नाम पण है बे बाधु असल टुकड़ा ताई चाम रंगे राख में रमणिया टुकड़ा ताई चाम और रंगे राख में रमणिया और हिम्मत रा सुख साज हिम्मत री कीमत घनी हिम्मत रा सुख हिम्मत हिम्मतरी कीमत घणी और री क्या राज रीक मती तू रमणिया री क्या दे कुण राज रीक मती तू रमणिया अगली जी की यारी पोथी है वह है गलगचिया गलगचिया सेठिया जीरी दार्शनिक व्यक्तित्व की एक बहुत ही सरस और जिज्ञासा प्रधान कलाकृति है और असल में गलगचिया जी का है ए गद्य कवितावा है आम एक दो गलगचिया आपने सुनाऊं। बहुत प्यारा है आनंद भी आवे और सीख भी मिले जीवन रो दर्शन है यहां गलगचिया में तांबेरो कलसो माटी रे घड़े ने कहो तांबेरो कलसो माटी रे घड़े ने कह घड़ा थारे में गालियड़ो पानी ठंडो किया रेवेर मारे में गालियोड़ो तत् तो क्या उगावे तंबेरो कलसो माटी रे गड़े ने कह घड़ा थारे में गालियोड़ो पानी ठंडो किया रेवेर मारे में गालियोड़ो तत् तो हो जावे घड़ो बोलो मैं पानी मारे मैं तो मैं ने मारे जीव में जगह दूँ अरे तू आंतरे रखे है कारण है एक और गलगची हो देखो मेणबत्ती मैं थारेसू कत्तो मोह राखू हूं मोमबत्ती मोमबत्ती में धागो वे नी डोरोणबत्ती डोरा मैं थारेसू कत्तो मोह राखू सीधी कालजे में दीनी है डोरो बोलियो मारी मरवण डोरो बोलियो मारी मरवण जना तिल तिल बड़ू हूं और एक गिलगच आप और पढ़ा मिनको उलझोड़ी जेवड़ी मैं तने सुलझार थारो कत्तो उपगार करू हूं जेवड़ी बोली तू किशोक उपगारी है जो को मारे शो छानू कोनी कोई और ने उलझाने का तो मन सुलझाता तो उसी गद्य कविता गलगचिया नाम सुन तो असल में सेठिया जी बड़ा कवि अरे काव्य में मरुभूमि आप समग्र रूप में चित्रित तो है मरु प्रदेश को कोई आयाम आयो को छोड़ियो नहीं अठेरु भूगोल संस्कृति इतिहास राजनीति अध्यात्म लोक जीवन शो मांगी कविताओं में है राजस्थानी रा जातीय कवि कह सका क्योंकि राजस्थानी असल में बिया तो अठारह किताबा जी की है वह हिंदी में है और चौदह किताब राजस्थानी में है लेकिन राजस्थानी बड़ा कवि माना गया हिंदी रा बड़ा कवि नहीं हालांकि हिंदी में भी भांगी अच्छी अच्छी स्था, अच्छो स्थान हो लेकिन कोई भी रचनाकार आपकी मातृभाषा में लिख गई बड़ो नाम कमा सके बंगाल में रहया लगभग जीवन बठे बीता है सुजानगढ़ में जलम्या बंगाल में रे बंगाली कविया के बीच में भी बांग, बांग आदर हो आदर मान हो लेकिन राजस्थानी कविता रे माध्यम हो बा पूरी दुनिया में एक धूम मचाई और एक वो गीत है ना वांगो धरती धोरारी जलम भोम और धरती धोरारी दो जी की कविता मिला गए और सागे भी गए जाब असल में धरती धोरारी जी को इतो प्यारो जनगीत हो के भी जी को है वो राजस्थान को नाम बहुत ऊंचो हो देश विदेश तक जी की राजस्थानी माटी की खुशबू पहुंची तो ए राजस्थानी का जातीय कवि है ओम नागर साहब पदार् है आभार आप रो। गणो 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 गुण गण मानो ओम नागर साहब सुनो और एक बात मैं और भी कहनी चाहू बीच में कि सेठ जी कविताओं हिंदी री पाठ्यपुस्तका में लागती रही है जिका लोग कहीं कह नहीं कि राजस्थानी राजस्थान थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे वेर लोग रसमज में गुनिया वेर ये बात ने रो एक न्यारो मतलब बात ने गलत ठहराई आ कविताओं सेठ की कविताओं राजस्थान की सगड़ी पाठ्य पुस्तका में हिंदी की पाठ्य में धरती दौरारी एक बा कविता अरे घासरी रोटी अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो एक बाजला मिलसी एक दो और भी कवितावा जिकी कवितावा लग, एक बा हाड मास चाम गाल खेत ने पसेव सींच लू लपट ठंड में सह सवह दांत भीच किसान री किसान ने जीवन ने लेर किसान रे हकरी बात ने लेर जी की कविता ही यह बहुत सारी कविता राजस्थान राजस्थान री हिंदी पाठ्य पुस्तका में पढ़ाईती रही है डूंगरपुर में पढ़ाईजती रही है बांसवाड़ा में पढ़ाईती रही है कोटा में बूंदी में झालावाड़ में यानी कोई भी ईशो इलाकों को नहीं जठ नहीं पढ़ाईती रही है कोई भी शो ईशो पाठक कोनी किस कोई भी ईशो विद्यार्थी को नहीं जी कह रहे यारी कविता समझ में नहीं आई हुए बात बातु बडो और पुख्ता प्रमाण और के हो सके राजस्थानी री किसी भी बोली में अगर कोई भी रचना हो रचना पूरे राजस्थान में समझी जावे सूर्यमल मिश्र जी रही कविता तो बूंदी रहा कोटा बूंदी झालावाड़ में जी हाडोती बोली जावे आज भी मारी रचना में हाडोती रा रि बरमार है लेकिन फिर भी सूर्यमल मिशन कौन रचना कौन पाठक है जिसको कह सके मारे सूर्यमल जी मिशन री रचनामा समझ में कोनी आवे ए राजस्थानी री रचनामा कोनी आ आक कह सके तो राजस्थान रे किसी भी अंचल में किसी भी इलाके में बैठे हो कोई रचनाकार किसी भी गाँव री किसी घर री बोली में अगर कोई कविता लिखे तो व पूरे राजस्थान में समझ में आवे तो सेठिया जी असल में राजस्थानी रहा जातीय कवि है क्योंकि की कविताओं में सो की राजस्थानी है राजस्थानी जनता रा सुख दुख है हरख हुमाव है सेठिया जी की कविताव बाँचा लागे कि पाठक राजस्थान री आत्मा में डुबकी लगावे आ रही कवितावं पाठक ने राजस्थान रा रणदेख्या कूणा दिखावे है कि नहीं राजस्थान देखनो होवे और समझना होवे तो सेठिया जी की कविताव बाँच सका चलो आप आगली जी की किताब है हमारी मिंजर मिंजर में शूँ आप एक कविता पढ़ 46 नंबर पेज पर है वो हमारे कन्ने सेठिया जी समग्र है राजस्थानी भी है और हमारे हिंदी वालों भी अठे पढ़े है तो राजस्थानी और हिंदी दोनों ही समग्र रचनावा मारे कन्ने हैं अब मैं दो एक कविता मिंजर में शूँ पढ़ा बटाऊ चाल्या मजला मिलसी बहुत प्यारी कविता है चलोगे आगे बढ़ोगे तो मंजिल मिलेगी बटाऊ चालियाँ मजला मिल सी ओम प्रकाश जी चारण साहब लिख रहे हैं कि सेठिया जी की एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली बात सही है साहब और इन वास्ते ही बा माइड्रो हिलो नाम की रचना लिखी और मैं आज भी बांगी एक बात याद करूं कि मैं एकदम बुढ़ापे में और अखबार वाला कोई सवाल पूछो वहाँ इंटरव्यू लियो तो मैं पूछो कि आपकी अंतिम आपकी इच्छाएं क्या क्या है तो मैं बोलिया जी मैं मरिया शू पहले राजस्थानी ने मान्यता देखनी चाहूँ मैंने सूजण बंद हो गो फिर भी मैं मारी हियरी मारी आँख्या आँख्या राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता देखनी चाहूँ बाकी इच्छा आप पूरी को पतो पोनी किता ईशा रचनाकार किताय ईशा राजस्थानी भाषा रा विद्वान आ इच्छा लेर चलिया गया आपने और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ सी सर पग पग बोलो कौन ही बदले बोली कौन बोले बल्कि बोलन रो ले जो बदल जाओ बिल्कुल सही बात कही गजराज साहब और खाली धड़री कद वे चेहरे बिना पिछाण बिल्कुल आप कविताओं पर आशा आप अभी एक बार आप कविता बटाऊ कविता पढ़ रहे हाँ कि बटाऊ चाल्या मजला मिलसी मनरा लाडू खार कदेई सुनो न कोई धाप्यो उग्यो हथेली रूख कणाई देखो नहीं फड़ा पो सूरज बोई जको रात्री छाती फाड़ निकल सी बटाऊ चालिया मजला मिल सी बटाऊ बटो ही राहगीर बटाऊ चालिया बाट वे ना अपने बाट माने रास्तो तो बटाऊ चालिया मजला मिल सी और गैले रोतो काम अतोई पगने सीध बतावे गेले रो तो काम अतोई पगने सीध बतावे वो मजला ने घर बैठा ही ने ल्यार मिलावे गेले रो तो काम अतोई पगने सीध बतावे वो मजला ने घर बैठा ही ने ल्यार मिलावे इसी या तो पग्गा पगरा डांव पांगला धरसी बटाऊ चाल्या मजला मिलसी तपोतावड़ो लुवा बाजो शिवराज जी भारतीय साहब पधार्या है स्वागत तपोतावड़ो लूआं बाजो चावे चढ़ो थकेलो पण भगतो जा सुण धर पण भगतो जा सुण धर कूचा धर मज लारो हेलो छोटी मोटी गलियाँ में मंजिला तई बढ़तो जा तपोतावड़ो लूआ बाजो चावे चढ़ो थकेलो पण भगतो जा सुण धर कूचा धर मज रो हेलो जद सपनेरी कड़ी थारली जद सपनेरी कड़ी थारली फूल साचरो बनसी बटाऊ चाल्या मजला मिलसी मनरा लाडू खार कदे न कोई धाप्यो उग्यो हथेली रूंक कणाई देखियो नहीं फड़ा प्यो जी तो गुणों ही करे कि राजस्थानी मान्यता मिल जाए एक लो जी कोशिश करनी पड़सी चाल्या मजला मिलसी नहीं चलांगा तो फिर किया मिलसी मंजिल हथेड़ी पर रूख उगा फल पाना चाहो नहीं खपनो पड़ पड़सी संघर्ष करना पड़सी सी, करनों पड़ सी, पड़ सी। आ, किसान पूग रहे है ना दिल्ली री बॉर्डर पर बिया राजस्थानी खतर बात बढ़सी मतीरो कविता मेरे सामी है और मैंने बहुत प्यारी कविता प्यारी लागे असल में बिया तो देखा तो

एक भी कविता काची कविता को मरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा आनंद आवे देखो एक एक शब्द आनंद शू भर है मरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा सोने जिसड़ी रेतड़ ली पर जाने पन्ना जड़िया रेत भी सोने बरगी मतीरा है इं लगे पन्ना जड़ रखे मरु माड़रा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा सोने जिसडी लीपर, जाने पन्ना जड़िया चुरा सुरगशु अठे में लिघ्यो कुण इमरतरा घड़िया क्या सवाल है चुरा सुरगशू अठे में लिघ्यो कुण इमरतरा घड़िया आ अनमोला, आगे लुक गया लाजा मरता हीरा मरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा मरु मायडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा और काम धेणुरा ही धरती आमे दुया जाने धरती काम देणुरा थ दू दिया जाने आमे आम ऐ जद इतना मीठा बढ़या इतना प्यारा बण्या कि काम धेणुरा थन ही धरती आमे दुया जाने और कल्प बिरख खे फल पर शावे निलजो सुरग धिंगाणे घमंड करे भे मतलब कोई कुण है सुरग और निर्लज सुरज न, सुरग धिंगाणे ही घमंड करे के कन कल्प बिरख है थार कन कल्प बिरख है तो अच्छी बात है मारे ठे दोराली धरती में मती रो है काम धेणुरी ही धरती काम धेणूरा ही धरती आमे दुया जाने और कल्प बिर फल पर शावे नीलजो धिंगाणे लीलो कापो गिरी गुलाबी लीलो कापो गिरी गुलाबी इंद्र धनख सा लीरा मरु माइडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा कुचर कुचर ने खुपरी पीवो

कुचर कुचर ने खुपरी पीवो लील गंगा जलसो पानी तिशतो कहीं चीज भूखने ईरी घूंट भजानी हरी रस हूं तो फीको आ क्या बात है हरी रस हूं तो फीको ओरस जे पी लेती मीरा मरु मैडरा मिसरी मदरा मीठा गटक मतीरा हरी रस फीको जान तो जे ओ रस है मीरा पी लेती मतीरा मतीरा करती फिरती मतीरे रो रस जी को मतलब वर्णन करने को बखान करने को कोशु तकड़ो कोई कारीगर या क्या के, के शब्द काम है ईशु बड़ा कोई रचनाकार जी का है भाई हो कोनी सके कितनी लयात्मकता है कितनी गेय है कितो आनंद है और कितनी बड़ी महिमा है धरतीरी राजस्थान री धरती री मई में एक मतीरे रे मध्यम शू कितनी गजब त्रिया प्रगट करी है सेठिया जी तो की बात आप आगे बढ़ावा आगे आगे बढ़ पहले आप आ, <coughs> एक दो कविता और देख लिया <coughs> एक कविता कुण जमीन रोधणी है आज प्रासंगिक भी है असल में आ, बा कविता है 66 नंबर पेज पर मैं निकालूं mm. कौन जमीन रोधणी कौन जमीन रोधणी अब कौन है जमीन को धनी असल में किसान जी कहवे जियां के, के बावणिया रे खेत नीर खौणिया रे खेत हालत है के बाबा जी के कंतू की है कोनी पर ई जगह ई बिजेबो बावणिया रे खेत नीर खौणिया रे खेत लेकिन सेठिया जी एक बात और कही है। के भी किसान जी को जब तक आपके हक के प्रति सावचेत नहीं हुए गो, भी गो लाटो जी को दूसरा लोग लूटता रहेगा वो खेत में पचे कोई है पसीनो कोई बावे बवे मोजा कोई मार जावे तो हालत है ज्यादा बखान करने की जरूरत को नहीं आप सब जानो कविता भाषा कुण जमीन रोधणी हाड़ मांस चाम गाल खेत में पसे व सींच लू लपट ठंड में से सवे दांत भींच फाड़ चोक कर करे जोतनीर बोवनी बो जमीन रोधनी के ओ जमीन रोधनी बो अर ओ समझो बो कौन सरमाइदार ओ कौन मेहनतकश माथो टेकूं उन पगा जिका टिके नित खेत रोटी को काडू भाल पर चक चरणा री रेत ओ बो है जिको माथो जिको रोजाना खेत में जावे बो बो है जिको इंगी कमाई पर पळे इंगी कमाई पर मोजा मारे तो कुण जमीन रोधनी धणी हाड मांस चामगाळ खेत में पसेव सींच लू लपट ठंड मेंह से सवे दांत भींच, फाड़ चोक कर करे जो तनीर बोवणी बो जमीन रो के ओ जमीन रो धणी मद पीवे उड़े मजा अब देखो ऐसा लोग भी है मद पीवे उड़े मजा करे जुलम सैकड़ी वो वो आदमी है जिसको को ई आदमी पर जुलम करे मद पीवे उड़े मजा करे जुलम सैकड़ी ठग बढ़िया ठाकरा हिद हुई रे ने रात दिन ने प्रजा ने रात दिन ने लूटणी रखोसणी ओ जमीन रोधणी कबो जमीन रोधी हड़ज झुपियो जद भी क्या ठीक लगे तो शेर को रो अभी बीस लोग यहाँ पास उड़नाला उन्नीस और हो गया 1900 ना नागरो 21 तो करो रात दिन नहीं लूटणी रखोशनी ओ जमीन रोधनी कबो जमीन रोधनी हल जुपियो जद बिक्या फूस पान टापरो हल जुपियो जद बिक्या फूस पान टापरो पेट काट बीजरी करी जुकाल बापड़ो पड़ी छाट कयो हरख राम जी भली सुणी जमीन रो धनी कबो जमीन रो धनी खड़ी फसल करा कुड़क भरे ब्याज बाणियों भरे ब्याज बाणियों बड़द बेच ब्याज रे ब्याज ने उगा राज सीर चोर के के करेर राज सीर चोर राज किंगे सीर ला हो और चोर सीर हो आ, आज आज हालत है आ हकीकत में आई है सो की थार लो सो की ने चोर चाहे चोर लेके विदेश राज सीर चोर के के करे कर सनी वो जमीन रोधनी के बो जमीन रोधनी कुण जमीन रोधनी वो जमीन रोधनी वो जमीन रोधणी असल में सेठिया जी तुकांत और ऐतुकान्त दोनों भां भांतरी रचनाव लिखी अभी आप जी रचनाव पढ़ी है बे ए तुकांत रचनावं भी पढ़ी है और तुकांत रचनाव भी पढ़ी है राजस्थानी चिंतन और भावबोध माथे आधारित कवितावां सरलता सहजता और सरसता सारू जानी जानीजे जी अभी की कुण जमीन रो धनी कविता पढ़ी पातड़ पीथल कविता पढ़ी कई जना इन कमेंट में एक वणी लिखियो पाथड़ और पीथल मैं बता देना चाहूँ कि वो पातड़ पीथल है पाथल और पीथल को नहीं पातल महाराणा प्रताप पीथल पृथ्वीराज राठौड़ जिका जिका पीथल नाम सुन जानिए बांगो शोर्ट ने बांगो छोटो नाम पीथल लाडगो नाम के इसका पीथल जिका अकबर के दरबार में कवि हा <coughs> पीथल पृथ्वीराज राठौड़ तो पातल और पीथल है और धरती धोरारी पातल और पीथल है तो लंबी कविता है हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं सुनाऊं लेकिन अब सुनावा कि बहुत लंबो टाइम लाग जैसे ए बड़ी अमर कविताओं है सेठिया जी की ए कविता लिख के बा एक बड़ो कवि होने को सबूत दियो बड़ो कवि जी वे वेबो जनता के कंठा में बस जाया करें जन कंठा को हार बने और सेठिया जी कविता भी जन जन कंठा रो हार बनगी तो सेठिया जी बड़ा कवि को एक सबूत है किसान रे शोषण रे खिलाफत आजादी से पहला किसान को जो शोषण होया कर तो बिंगी खिलाफत करी रजवाड़ा रे भगत कुण जमीन रो धनी जड़ी कविता क्रांतिकारी कविता कोई जन कवि रच ही जन कवि हा सेठिया जी सेठिया जी री कविता में लोक आपरे सगले रूपा मा आयो है लोक रा अनूठा मर्मज्ञ अनूठा जानी जान हा सेठिया आपरी राजस्थानी कविता में संग्रह ने लगे टगे इंगा पेज है छ सौ अठासी पेज छ सौ अठासी पेज तो है। भी राजस्थानी कविताओं हैं मतलब सारा जिका भी संग्रह है सेठिया जी राजस्थानी वाला में शामिल है अलगे अलगे रूपा में ने जिन भात सेठिया जी चित्रित कर दूसरी भाषाओं में वो चित्रण मिले को वास्ते तो के के बे जातीय कवि हा राजस्थानी का जी हाँ सूरदास बाल मनोविज्ञान को कुणो कुणों झांक लियो डीए सेठिया जी पूरे लोक ने छाण मारियो लोक में कठी काची बात को नहीं राखी सब जगह घूम लिया एक कविता में आपने सुनाऊँ देखो कुंकू एक कविता संग्रह है छोटी छोटी कविताओं है कुंकू में 105 नंबर पेज पर मैंने निशान लगाया है और कुंकुम की भूमिका अच्छा भूमिकावा भी जी की लिखी है छोटी छोटी दो दो लाइन री दो, -दो लाइन तीन तीन लाइन एक वाक्य दो वाक्य में भूमिका कितो शानदार और और टाइटल शीर्षक दिए सिरे नाम दियो, दियो भूमिका रो जड़ रही बात कुंकु भूमिका देखो आप कुंकुरी ओट में कुदरत सिट्टा में मोती सा दाना जड़े ऊपर दाना ऊपर पहले बूर्ज के निके योट में कुदरत सिट्टा में मोती सा दाना जड़े रचना ने पड़दो ई इथ ने जको ओलख ले सी वो ने समझ जा सी तो सुई डोरे में करी खारी गरीब ने फसार निकलगी आ किसी एक साहूकारी छोटी सी कविता सूरज कालो चश्मो लगा लियो आड़ू बोलिया रात पड़गी चीज तुले जताई ताकड़ी में रहे मोज कोई करे बोझ कोई सवे तो कविता को खुबे नी बाढ़ रो कांटो बाढ़ रे को खुबे नी आप रो ओगण आप रे को चुबे नी तो ए दर्शन भी बात और प्रयोग धर्मी कवि भी है सेठिया जी अलग अलग तरह री अलग अलग री कविताओं अलग अलग शिल्परी कविताओं लिखीं तो अक्सर देखो है कि जिका रचनाकार बहुत बेसी लिखे बहुत बड़ी तादाद में लिखे जिनमें श्रेष्ठ बहुत कम हुए हैं लेकिन मैं पहली भी बताई कि सेठिया जी जी को ना वो सगड़ो श्रेष्ठ है एक भी इसी रचना को नहीं जिकि श्रेष्ठ नहीं हुए एक किताब है आंगी धर कू धर मजला और पेज नंबर 156 पर एक दो सुनाऊ में आपने धर कू धर मजला में सु वो महाराज याद भी है तिल तिल कर डोरो बड़े और आंसू नाखे मैण धरे झरे पराई पीढ़ में बेही साचा नैण एक वो दुओ है लेकिन वो दुओ तो शायद दूसरी किताब में है अभी एक 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 कविता आपा ने पढ़नी है पेज नंबर है 106 113 150 150 पर देखा आपा हाँ आ कविता जिकीरो जिक्र में पहले ही करो कविता है कि असल में कविता क्या ने कह वा? तो कविता कह भाषा री क्षमता ने तोलने री ताकड़ी है कविता देखो कितनी बड़ी बात है भाषा की पावर जी की है भाषा की क्षमता है बिना तोलने की ताकड़ी है कविता यानी राजस्थानी कविता पढ़ने अपन इं बेरो पढ़ जया कि राजस्थानी भाषा में ताकत की थी कह या कवि की जी की भाषा है में कितिक पावर है कितिक ताकत है भाषारी खिमता ने तोलने री ताकड़ी है कविता और शब्दा रे भारे में चंदन री लाकड़ी है भाषारी खिमता ने तोलनेरी ताकड़ी है कविता शब्दा रे भारे में चंदन री लाकड़ी है कविता है, सोटंच ने पुरा नु है न पुरानी है कविता सांश न नुई है न पुरानी है कविता मिनखरे ही है मैं उकड़ते भोबरी सेनानी है कविता गुड़ है गूंगे रो उठा पटक रो अखाड़ो को कविता ओ खद है आत्मारी माटी री काया रो भाड़ो को कविता तो कविता री ईशू बढ़िया ईशू जोरदार परिभाषा की हो से कौन सके ओम प्रकाश जी चालन साहब राजस्थानी का रा बहुत बड़ा विद्वान साहित्यकार राजस्थानी रा व्याख्याता रहा व्याख्याता रे प्रिंसिपल रहा लिखे कि लाओ तो लाइया करे पण मौज पढ़ाई लिया करे बात <laughs> भी सही है जरे पराई पीढ़ में भाई सांचा नैण हाँ सा पवन जी सही कह रहा वो आप और अब राजस्थान की माटी की जी की बात है कितनी मिनट होगी आपने अभी और आप कई देर और बोल सका शायद देखा मिनट रो तो पता ही तो कौन ती कोई है चालन दिया चलो कोई बात नहीं मारी सीमा पर हिमालो छोटी सी कविता है देखो लील टांस में है यार कोनी मारी सीमा पर ही माड़ो है गंगा रमुना बना में और देवदार बाड़िया में काजूर केवड़ा ऐ कोनी मारी सीमा पर तो राजस्थान की भूमि में है के चीज देखो कोनी मारी सीमा पर आंगणी हिमाड़ो कोनी मारी सीमा पर ही मालो गंगा और जमुना बना में चन्न और देवदार बाड़िया में काजूर केवड़ा मारी सीमा पर है जुझारारी देवड़िया दो ही सो तिरपत आंगणियों केसरिया बाना पैरिया रोईड़ा जोहर्रा साखी फोगर खेजड़ा ऐ है मारी सीमा पर कोनी मारी सीमा पर हिमालो वांगणी है गंगार जमना चालीस मिनट ही हो चालीस मिनट होगी पवन मेरे जी कविता तो और सुना नहीं चालन दिया राम कुमार जी कह रहे चालन दियो कोनी मारी सीमा पर हिमालो वांगणी है गंगार जमुना बना में चन्नर देवदार बाड़ा में काजूर केवड़ा मारी सीमा पर है जुझ हारी देवड़िया सो तिरपत आगणियों केसरिया बाना पेरिया रोईडा जोहर्रा साखी फोगर खेजड़ा और देखा थोड़ी सी आगे बदा चलो फिर टाइम बोलो हो रही है तो ही वास्ते माइड्रो रो हेलोमियाँ एक दो कविता क्योंकि माइड्रो हेलो तो बहुत ज़रूरी है और माइड्रो हेलो पर बात भी करांगा माइड्रो हेलो में 213 नंबर पेज पर एक कविता मैं निशान लगाया है देखो दिखाने हाँ राजस्थानी भाषा री मई माली कविताव पढ़ लिया हालांकि सेठिया जी की बहुत अच्छी अच्छी बहुत बेहतरीन की, की कवितावं है बे रेगी बहुत सारी कवितावें पढ़ना चाहो गाँव कविता पढ़ना चाहो जब तक मन हो तब तक बोले डॉक्टर साहब आनंद आ रहा है चलो चलन दवन मेरेडा जी करे थोड़ो थोड़ा करो नहीं आनंद तो जब आ सुनन सी सुनने संख्या बढ़ सी हौसलो बढ़े हो सामी वाला बोला जाना हो आनंद आवे बात कहने को खैर चलो आप आगे बढ़ा एक मिनट किताब थोड़ी सी ले लूँ मैं हाथ में और अब सेठिया जी की जी की आज की आज की रचना है सेठिया जी की जी की भाषा ने ले रहे माइड्रो है ले रहे जो पडूतर मिलसी अरे मारे थाक्या पगाने मंजल रे नेडास रो थत्थो पो बंदासी

आज विनोद स्वामी जी ने मैं कह रहे हो कि भाई थे प्रोग्राम शेयर करियो दस बजे प्रोग्राम आवेगो और मैं कई बार देखे करूँ कि विनोद परलीका लाइव प्रोग्राम करे तो बी टाइम के करे कि कोई फोन आ जाए तो मैं बड़ी झूंझल आवे कि यार वो फोन बी कहे कि यार बेचारे फोन ना करो थे यार फोन ना करो तो फोन करो कोई सुन थोड़ी थुण लग रही हो प्रोग्राम भी तो फोन नहीं करे आज विनोद को तीसरी बार फोन आ गए चालते प्रोग्राम में काटे हुए विनोद ने ओल विनोद अगर बाद में प्रोग्राम सुनेगो तो जितती रीस तना है ग्रे नहीं चालते प्रोग्राम में कोई फोन करे जितती रीस तो को नहीं आने लेकिन मैंने ये बात की वो दुख बढ़ रहे है कि अभी मैं तेने कह गया हो यार तू प्रोग्राम सुनी मेरे तेरला तेरला प्रोग्राम सुन बोगे लोग और तू सुने को नहीं आ तो अच्छी बात को नहीं खैर कोई बात नहीं आज तुम्हारी गरीब बात है <laughs> विनोद ने प्रोग्राम सुनना चाहिए हो <laughs> और विनोद ने वो प्रोग्राम शेयर भी करना चाहिए हो खैर कोई बात नहीं बाद में शेयर कर देगा अगर टाइम मिले तो सुन लेगो थोड़ी सी कई कई मुसीबत में है वो कई संकट भी है कई तरह की समस्या वाशु गिरोड़ो है आजकल तो मा समस्या वाशु जल्दी जी को निजात निजात मिलसी बात अपना माइड भाषा की कर रहा है कि आ, और मैं अठे एक बात किसान जी की बात केड़ी जी की के है नोट करी सेठिया जी ने किसान जी जी को है वो रसूल तो जा है कि सेठिया जी राजस्थानी रा रसूल तो है जिका ने आपरी मां भाषा और माँ भूम शू इस प्रेम है जितो रसूल ने आपरी माँ भाषा अवार एर माँ भूमि दागिस्तान आप लोग अगर रसूल तो रो मेरा दागिस्तान अगर पढ़ो तो तो है तो बीम जी की मातृभाषा को मह तो जी को अभी हरीसो मालिया है हरीसो भाई बधाई हो तेन बहुत बहुत राजस्थानी की जी छह पोस्ट ही बा छह पोस्टा में दूसरो नंबर जो है दूसरी रैंक आई है राजस्थानी में राजस्थानी को लेक्चरार बनियो मारे नोर्थ तहसील एक बिरकाली करने चंद्र सिंह जी बिरकाली रे गांे मालिया को और वो हरी सऊ जी को अभी अभी, अभी आए हुए अपने प्रोग्राम में सुनने वास्ते तो हरी भाई तू मने क्लास में सुनते रहे हो तू ग्यारहवीं बारहवीं मेरे कन राजस्थानी पढ़ी और राजस्थानी की लगन इसी लागी तेरे कि तू आज राजस्थानी रो व्याख्यात सिलेक्ट हो भाई पढ़ लिखे मैं राजस्थानी की पोस्ट खाली ली आजा राजस्थानी पढ़ाओ राजस्थानी को प्रचार प्रसार करो मैट भाषा खुलवाओ गांव गांव में और अभी जहाँ छः राजस्थानी का लेक्चरार बने हैं मैं तो चाहूँ छः नहीं भाई छः सौ सात सौ लेक्चरार तो हर साल राजस्थानी का बनना चाहिए राजस्थान में इतना स्कूल है हजार लाखों की संख्या में जे अपना हजार एक स्कूलों में राजस्थानी खुलवा दे वहाँ तो कितो बोलो वे राजस्थानियाँ को और राजस्थानी भाषा को तो किसान जी जी का है बे राजस्थानी का रसूल अमजा तो बताया है सेठिया जी ने मातृभाषा राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता न मिलने की पीढ़ बने अंत तय को है वह सालती रही और मायड को संग्रह है हर कविता में आ पीढ़ प्रगट हुई है इन्हें बा लोकतंत्र की हानि बताई है कि राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिलनो जी का लोकतंत्र की हानि है अत बड़े जन मायड भाषा राजस्थानी नहीं मानता इण ने अलोकतंत्र लोकतंत्र री हानि है तो सेठिया जी आप री कविताओं में राजस्थान ने कमायो है और राजस्थानी ने कमाई है पेडियापा राजस्थानी एक कविता जी की है वो राजस्थानी भाषा शीर्षक शूबा कविता ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँ मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे हाँ बहुत बहुत बधाई पवन मेरडा जी कह रहे है वो हरी ऊपर कमेंट है देखो हरी मालिया वो हरी सऊ वही है जी को राजस्थानी में दूजी रेंका विंगे छ में दूसरे स्थान पर भी सिलेक्शन हो ढूंढ़ाड़ी सागे ती मरुवाणी सगड़ा रल बनी बणी भाषा राजस्थानी मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे हाड़ो ती मरुवाणी सगला शू रल बणी जकीबा भाषा राजस्थानी आप आपरी मत थे आप निर्थक खेंचा तानी, मीरा लिखगी बीने मानो भाषा राजस्थानी रवे भरतपुर अलवर अलगा आ सोचो क्या ताणी हिंदी री माँ सखी बिरजरी भाषा राजस्थानी रवे भरतपुर अलवर अलगा आ सोचो क्या ताणी हिंदी री माँ सखी बिरजरी भाषा राजस्थानी अब अबोर फाजिल का और ये बहुत सारे इशू को है जिठे पंजाबी मीडियम में पढ़ाई हुए बच्चा की और बटे असल में लोग जी का है पंजाबी मीडियम वाला है कोई निगरह में मांगे आप बोलना जी हाँ राजस्थानी बोले लेकिन फिर वह लोग भी पंजाबी को बहुत मान आदर सत्कार करे तो आपने भी सीमावर्ती क्षेत्र का जित लोग है बने अपनी भाषा को आदर मान सत्कार करना चाहिए क्योंकि आपने प्रांत की भाषा है और आ भाषा इन भाषा की हरेक हरेक शब्द जी है वो लगभग सगला ने समझ में आवे पूरे राजस्थान में तरवे भरतपुर अलवर अलगा आ सोचो क्या ताणी हिंदी री मां सखी बिरजरी भाषा राजस्थानी खोटी सुन सुन सीख गमाओ थे मत निजरो पाणी जनपदरी बोलिया है मिणिया माला राजस्थानी इण्या गिण्या की शब्दा ने ले बिरथा बात बधाणी घर में राड जगत में हंसी मेटे राजस्थानी घर में राड तो राड़ जी की मत करो कभी आप मे मेवाड़ीर मे मेवाती मे मारवाड़ी मे ढूंढ़ाड़ी, मार मारी फलानी बोली बोली नहीं आ सारी बोलियाँ जी की है वो एक भाषा का रूप है बोलियाँ तो सगली भाषाओं में हुए, पंजाबी में पोवादी, भटियाणी रेचना मानसी दोआबी, कितनी सारी बोलियाँ शराय की, शराय की बोली को प्रोग्राम आय करे रेडियो पर लेकिन ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਰਾਈ ਕੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਟਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਵਈ ਬੋਲ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਲਵਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਲਵਈ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਵੱਦੀ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਬਟਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪણો ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਗਰਾਪਾ ਬਾਤ ਕਰਛਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਦਾ वह लख परदेसी अपना देस नहीं पंडीदा पंजाबी में जेड़े मुल्क खाइए उसका बुरा ना मंगीदा तो भई आप राजस्थान की रोटी खावा राजस्थान में रहा राजस्थान अपना निवास है अब एक लोग कई आ कह दे भारतीय संस्कृति तो भारतीय संस्कृति राजस्थानी संस्कृति बिना के पूरी थोड़ी होगी भारतीय संस्कृति का रक्षक हाँ आप लेकिन भारतीय संस्कृति के नाम पर आप पंजाबी संस्कृति ने राजस्थानी संस्कृति ने गुजराती संस्कृति ने या किसी भी भाषा बं, बंगा बांग्ला भाषा की संस्कृति ने आ सारिया ने मिटा कोई के कोई भारतीय संस्कृति रख सक सगली गई तो भारतीय संस्कृति है भारतीय भाषावे मेड़ छू ही जी को है वो हिंदुस्तान की भारत की रक्षा हो सके भारत की पछाण जी की है वो सगली भाषाओं ने सागे लेके बन सके एक राजस्थानी न्यारी टाल पंजाबी गुजराती मराठी सगड़िया ने मान्यता दे दो हरियाणा में पंजाबी दूसरी राजभाषा है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ने संवैधानिक मान्यता कौन नहीं पढ़ छत्तीसगढ़ वाला लोग शाणा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा है बटेगी छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई हुए आप सर्च करके देखो छत्तीसगढ़ को प्राथमिक शिक्षा को पाठ्यक्रम किताबा मां देखो मांगी और बात मां तो एक और भी कर रखी है कि चार बोलियां में किताबा काट रखी है न्यारी न्यारी बोलियां में है छत्तीसगढ़ी भाषा लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा की चार बोलियां में पाठ्य पुस्तक काट दी तो बहुत बढ़िया बात है छत्तीसगढ़ी में जहाँ पढ़ाई हुई भी आपने भी तो आपने भी शुरू कर सको और आठ भी मिट सके तो अब दिल्ली में पंजाबी और उर्दू दूसरी राजभाषा है थाने कोई पूछ ले कि राजस्थान में दूसरी राजभाषा कैसी है तीसरी राजा किसी है एक राजस्थानी को नाम क्यों आ, आ आज की दिक्कत है आ मेटांगा जदि बात बनसी, नहीं तो बात को नहीं, तो कुण बरजे है पोखो सगड़ा निज निज घर्री वाणी आखो राजस्थान जोड़ सी भाषा राजस्थानी सगड़े राजस्थान ने जोड़ने को काम जी को है वो आ राजस्थानी भाषा करसी टेम बहुत ज्यादा हो गयो मैंने बेरो कौन पड़े बात बात में बहुत दिन हो गया पहले मैं राजस्थानी पढ़ाया अगर तो हिंदी को लेक्चरार रहे हो अब आजकल मैं स्कूल एजुकेशन में प्रिंसिपल हूँ तो राजस्थानी हिंदी को लेक्चरार हो लेकिन स्कूल में राजस्थानी वो पद खाली हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए ठीक रही बात रही कि मैंने राजस्थानी पढ़ाने को जो है वो मौक़ो मिल गयो और राजस्थानी पढ़ाने में जितना आनंद आवे वो और भाषावान ने पढ़ाने में और पढ़ने में को नहीं आ सके और भाषा मतलब आपकी भाषा है मातृभाषा पढ़ने को और मातृभाषा पढ़ाने का जी का ठाट है नहीं जी आ, पंजाबी वाला पंजाबी पढ़ाने का ठाट आवे बी राजस्थान राजस्थान का लोग ने राजस्थानी पढ़ाने का भी ठाट आवे न्यारा आनंद है पढ़ने वाला में भी आनंद आवे मैं अठे पढ़ाया करता तो कई टाबर बताया करता गुरु गुरुजी खेत में पानी की बारी हुए नहीं राजस्थानी किताब में में कल के ले जाऊँ और खेत में बैठ रात ने रात ने पानी की बारी लगाता लगाता भी। थोड़ा सोशान मिल जाए तो मैं राजस्थानी की कविता लिया क्या बात है इतनी आनंददायी पोथिया है इतनी आनंददायी किताब तो शिक्षण ने आनंददायी बनाने खातर राजस्थानी हर एक स्कूल में होनी जरूरी है और सेठिया जी ने सच्ची श्रद्धांजलि आई हो सी सेठिया जी आखिर में लिखियो की बुध सी धूणी देहरी अबे हुए प्रतीत बुध सी धूणी देहरी अभे हुए प्रतीत पण आभे में गूंजता रेसी भारा गीत पण आभे में गूंजता रेसी भारा गीत तो सेठिया जीरी कविताव आभे में गूंजती रेसी सेठिया जीरा गीत आभे में गूंजता रेसी बहुत सारी कविताओं बहुत सारा गीत मेरी बांसने की इच्छा ही अभी लेकिन मैं फिर कदी कहूँ कि महीने में दो महीने में, में चार महीना छः महीना बाद में मैंने फिर कदी मौक़ो मिल सी तो मैं फिर आपने सेठियाजी और कविता सुनाश हूँ आप माने ध्यानों सुनियो बहुत बहुत धन्यवाद खमा गणी नमस्कार